सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पुराने छात्रों का सम्मेलन हुआ। इस दौरान छात्रों ने बीते सालों को याद किया और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। डोईवाला में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विद्या भारती उत्तराखंड द्वारा पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विद्यालय के व्यवस्थापक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विद्या भारती संगठन मंत्री भुवन, विद्या भारती गढ़वाल संभाग निरीक्षक नत्थीलाल बंगवाल एवं देहरादून संकुल के संकुल प्रमुख मनोज रयाल और कई पुराने छात्रों ने भाग लिया, जिसमें प्रांत संगठन मंत्री ने पुरातन छात्रों का मार्गदर्शन किया। देखिए, अपने विद्या भारती के द्वारा संचालित जितने भी शिशु मंदिर और विद्या मंदिर हैं, जहाँ विद्या के साथ साथ संस्कारों का ज्ञान भी दिया जाता है, और उसी श्रेणी में जो हमारे पुरातन छात्र हैं उनको भी इसी प्रकार के संस्कार उनके द्वारा समाज का, प्रदेश का, देश का, जो लोग पहले से संस्कार लेके गए उससे उनको उनसे उनके द्वारा भी लाभ मिले, तो उस नाते यहाँ 7 जिलों का पुरातन छात्र छात्राओं का समूह एक यहाँ बैठक रखी गई थी अपने माननीय संगठन मंत्री जी विद्या भारती के और अपने समाज निरीक्षक जी, उनका आपाते हम सबको मिला। निश्चित रूप से एक ही ध्येय हम सबका इस बैठक के निमित्त था कि हम लोग कैसे इस उत्तराखंड के लिए, खासकर जो ऐसे गांव हों जिनको हम कहते हैं कि जो लोग गांव से गाँव को छोड़ रहे हैं पलायन की दृष्टि से, किसी और दृष्टि से, उस गाँव का समाज में जो हमारे जब हम यदि सामर्थ्य हैं किस प्रकार से हम किसी का सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो विद्या मंदिरों का होगा, जो किसी गरीब का होगा, या समाज में किसी अन्य चीज़ का होगा, उसके लिए भी पाथे माननीय संगठन मंत्री जी का और अपने संगठन मंत्री जी का मिला है और अपने संभाग निरीक्षक जी का मिला है। तो हमारे जितने भी यहाँ पुरातन छात्र आए, हालांकि वो लोग इस प्रकार का काम पहले से भी करते आए हैं, लेकिन बीच बीच में हम लोग बैठते हैं तो कुछ में कुछ और बातें जो मिलती हैं उसको भी हम करते हैं। और आप देखिए जिस प्रकार से हमारा प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, उस प्रदेश में हम सबकी अपनी अहम भूमिका है, उसमें आप भी शामिल हैं, सभी की भूमिका हो, इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ होते भी रहते हैं और ये क्रम जारी भी रहेगा। निश्चित रूप से हमारे जो पुरातन छात्र हैं, मैं उनका यहाँ चूँकि व्यवस्थापक भी हूँ विद्यालय का, तो उनका स्वागत भी करते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।